गुड मॉर्निंग क्लास, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय संभावना आज आपके सामने बी सेकेंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपके जो विषय है उसमें दो पेपर है मनोविज्ञान में, पहला है आपका साइकोपैथोलॉजी और दूसरा सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों लेसन में आपका दो दो यूनिट हो चुकी है। ठीक है, आज ये थर्ड यूनिट जो है वो हम करा रहे हैं, ये है आपका पेपर वन। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी मनोकृति मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है इसमें आप लोगों को जितने भी प्रकार के मेंटल पेशेंट्स या उनके जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं हमें उनको समझना होता है कि डिसऑर्डर होते क्या है। ठीक है, डिसऑर्डर के अगर हम लक्षणों को समझना चाहें तो कौन कौन से लक्षण एक पर्सन में किसी एक डिसऑर्डर के निश्चित होने पर दिखे जाते हैं। ठीक है, और अगर उन लक्षणों को कारणों को जानना हो तो हमें उनके कारणों को भी जानना होता है। ट्रीटमेंट पर उतना फोकस नहीं होता है क्योंकि ट्रीटमेंट करने के लिए एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस और उसकी खुद की इच्छा या दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मोस्टली हम एक एज ए स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट हमें केवल दो ही चीज़ें समझनी है, एक तो पर्सन के लक्षण क्या होते हैं किसी भी एक मेंटल डिसऑर्डर में, और दूसरा जब वो लक्षण उसके प्रदर्शित होते हैं तो उन लक्षणों के कारण क्या होते हैं। केवल दो ही चीज़ें हमें समझनी होती हैं। ठीक है, और तीसरा चौथा और भी एक पॉइंट हो सकते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर किसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पता लगाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें इसमें मानसिक दुर्बलता व मानसिक मंदता। ठीक है, तो जो एक मेंटल इलनेस यानी कि एक जिसमें इसमें बात करते हैं मतलब दुर्बलता की, दुर्बलता मतलब जब कोई एक व्यक्ति दिमागी रूप से इतना कमजोर होता है कि वो अपनी किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता है, उसका आईक्यू लो होता है। ठीक है, अब लो का ऐसे नहीं कह सकते, अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि उसके अंदर आईक्यू नहीं है तो ये बहुत गलत वर्ड है जो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका क्या बोलते हैं, जब भी हम जो भी अपन का आईक्यू होता है, आईक्यू चाहे जीरो हो या सॉरी आईक्यू चाहे माइनस में हो, लेकिन कभी भी किसी का आईक्यू जीरो नहीं होता है। ठीक, इसीलिए हम कभी भी मानसिक दुर्बलता या मानसिक मंदन के लिए जीरो आईक्यू वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि वो वर्ड आपका गलत होता है। ठीक है, हमेशा आईक्यू चाहे एनिमल्स की भी बात करें या एक सबसे मतलब जो बड़ी सबसे बड़ा मेंटल पेशेंट भी होगा, दोनों ही पर्सन का आईक्यू उनके अंदर तो होता ही है। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि उनका जो आईक्यू है वो तो अच्छी प्रचुर मात्रा में नहीं काम करता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो दृष्टिकोण देखते हैं किस किस दृष्टिकोण के बेस पे हम एक मेंटल पेशेंट को जांचने की कोशिश करते हैं या उनकी मानसिक दुर्बलता को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेंटल इलनेस या मेंटल डेफिशिएंसी यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी जो होती है उसकी जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट होता है वैधानिक। ठीक है, वैधानिक मतलब होता है किसी भी चीज को कानूनी रूप में, मतलब अगर किसी एक चीज की हम सभी जानते हैं हर एक चीज को मापने के अपने कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो वही जो तरीका है वो साइंटिफिक कहलाता है, जिसको अपन लोग वैधानिक बोल सकते हैं। ठीक है, इसे अपन साइंटिफिक भी बोल सकते हैं या लीगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को एक लीगल या एक नियम के तौर पर या सिद्धांत के रूप में उसको जांचा जाता है, उसको समझा जाता है, तो वो आपका पहला मेथड होता है वैधानिक। ठीक है, दूसरा है आपका मेडिकल। ठीक है, तो जब कोई भी मेंटल डिसऑर्डर को हम मेडिकल कंडीशन के स्केल पे मापते हैं कि हाँ इस रोग में ये लक्षण देखे जाते हैं और इन इन लक्षणों को हम इस मशीन या इस गैजेट के द्वारा आप हमें से आंक सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका मेडिकल के अकॉर्डिंग आता है। जैसे मान लीजिए हमें बुखार मापना है तो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, ऐसे ही जो भी बीमारी हमें मापनी होती है चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, ठीक है, मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों ही बीमारियों को मापने के लिए मेडिकली कुछ गैजेट या कुछ मशीनें पहले से हमारे पास है। ठीक है, जिनका प्रयोग करते हम किसी व्यक्ति के एबनॉर्मल लेवल या उसके इंटेलिजेंस क्वेश्चन को माप सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति का जो एक तरीके से जो भी उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर है उसका मेन कारण मेडिकल ही हो, मतलब उसका बायोलॉजिकल या फिर उसका हायरारकिकल। ठीक है, जिसे अपन लोग बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, ठीक है, तो हायरारकी के फॉर्म में। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी मानसिक रोग या तो उसे अनुवांशिकता से मिला हो, ठीक है, या फिर उसका यही बाय बर्थ उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो सकता है कि पर्सन का जो सोशल कल्चर है, ठीक है, या इकोनॉमिकल कल्चर है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा लो कंडीशन से या लो परिस्थितियों से बिलोंग करता है
कि वो अपने आप को उन चीज़ों में मतलब एक तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से हो, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ देखी हो, लेकिन अचानक से अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू घटित हो जाए जिसको वो एक्सेप्ट ना कर पाए, चाहे एज कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो 18-19 साल हो, 20 हो, या हो सकता है 40 साल या 45 या 50 साल के भी पर्सन हो सकते हैं, कि जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी शान शौकत वाली लाइफ देखी हो, ठीक है, और उनका जो सोशल स्टेटस है और उनका इकोनॉमिकल स्टेटस है, दोनों ही स्टेटस बहुत शानदार हो, लेकिन पर्सन अचानक से एक ऐसी कंडीशन में आ जाए जिसको उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो वो उसके लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी लोग ज़्यादातर मेंटल पेशेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इसके लिए एक मूवी देखी होगी, क्या बोलते हैं, गोविंदा, रवीना टंडन और आपका शिल्पा शेट्टी, हाँ इन तीन लोगों की है, ऐसे कोई बनारसी बाबू करके कोई मूवी, उसमें ऐसा होता है कि जो रवीना टंडन होती है उनके फादर बहुत बड़े चाय पत्ती के व्यापारी होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो जितना पैसा होता है वो जो लेते हैं अपनी बेटी के लिए शादी में देने के लिए, वो उनका चोरी हो जाता है। तो उनका पूरा एक तरीके से वो इतने बड़े बिजनेसमैन थे और वो एक तरीके से रोड पे आ जाते हैं, तो उनको वो जो इतना धक्का होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से उनका जो IQ है वो बहुत ज़्यादा डाउन कंडीशन में चला जाता है, या फिर उनका जो मेंटल लेवल है वो पूरे से हिल जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, अभी होती है अध्ययन समय। ठीक है, तो अब किसी किसी पर्सन का जो IQ जो है वो ऐसे लो होता है कि पर्सन को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उस परिस्थिति में कैसे सर्वाइव करे। ठीक है, या उसको जैसे मान लीजिए इस टाइप के लोग जैसे होते हैं, जैसे किसी को नंबर से याद नहीं होते हैं, या लेटर्स में डिफ्रेंशिएशन करना नहीं समझ आता है उनको, उनको ये नहीं समझ आता कि वो अपनी जो भी लेटर्स हैं या डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, ठीक है, इन सबको वो कैसे डिफाइन करें या कैसे समझे या लिखे कैसे। हो सकता है जैसे किसी को BOD सेम लगता है, ठीक है, 9 और 6 सेम लगता है, तो ऐसे ही जो जिन लोगों को मानसिक गुणवत्ता अध्ययन संबंधी होती है, मतलब उन्हें पढ़ाई लिखाई करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगला आपका मनोवैज्ञानिक संबंधी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति का जो अपना मेंटल लेवल है, मतलब वो अपने आसपास की परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता है, उनमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी उसके अंदर बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण भी उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटी या फिर आपका IQ डेफिशिएंसी देखी जाती है। ठीक है जी, अगला है आपका विशेषताएँ। तो विशेषताएँ हम सभी जानते हैं कि जो भी पर्सन जो होते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है या फिर उनको एक तरीके से उनको जो IQ में डिफिशियंसी है, ठीक है, तो उन दोनों में कुछ चीज़ें सभी बच्चों में देखी जाती हैं, बड़ों में भी देखी जाती हैं। पहला आपका सीमित बुद्धि, हम सभी जानते हैं कि अगर बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ क्वेश्चन के डेफिशिएंसी होने की, ठीक है, कमी होने की, तो यानी कि उनकी बुद्धि कैसी होगी, सीमित होगी, मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन का जो IQ होता है उससे उनका IQ कमी होगी। ठीक है, वो चीज़ों में जल्दी लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, अपनी चीज़ों को जल्दी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और उनको वो समझ भी नहीं पाते ना समझा पाते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक न्यूनता, आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा अपने आसपास, कभी ट्रेन में, मार्केट में, या कहीं पे भी ऐसे एरियाज में जहाँ पे आपने लोगों को देखा है, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, जैसे उनकी नाक अलग होती है, उनकी आइज अलग होती हैं, ठीक है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर होता है, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, तो ऐसा क्यों देखा है आपने, क्योंकि उनके अंदर वो जो बच्चे होते हैं वो मानसिक मंथन के शिकार होते हैं। जैसे हमने तारे जमीन पे मूवी देखी, उसमें कितने सारे बच्चे दिखाए जाते हैं, तो हम समझ लीजिए कि यहाँ पे हम बात केवल उन्हीं बच्चों की कर रहे हैं जो तारे जमीन पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, शारीरिक न्यूनता, तो उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो चीज़ें मतलब उनको पूरी 100% मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे अपन लोगों को गॉड गिफ्ट के रूप में अपन लोग बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, हमारे चाहे हैंड हो या लेग हो या फेस हो या पूरा IQ वगैरह हो, सब कुछ हम बिल्कुल एक तरीके से हम अपना पूरा काम खुद से कर सकते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और हमारे जो शरीर के जितने भी अंग हैं वो पूरे तरीके से ढंग से काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके अंग या तो हो सकता है उनका IQ लो होता है, हो सकता है उनके पैर एकदम भारी भारी हो, ठीक है, अच्छे मोटे हो, या हो सकता है दुबले हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकली हैंडीकैप होने के साथ साथ मेंटली हैंडीकैप होने की, या फिर मेंटली फॉर्म में हैंडीकैप होने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पे उन बच्चों का सर आपने देखा है वो अलग ही दिखता है, वो तो समझ में भी आ जाता है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनका बिहेवियर भी अलग से नजर आता है। अगला है सामाजिक अयोग्यता, ठीक है। तो समाज में रह करके जो व्यक्ति अपने समाज के कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे किसी चीज़ को होल्ड करना, ठीक है, अपना खाना पीना खुद खाना, अपना जो मल मूत्र त्याग करना है वो कर पाना, तो ये जो रोज़मर्रा दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं, वो हमारा सामाजिक अयोग्यता कहलाती है। अगला है आर्थिक अयोग्यता। तो आर्थिक अयोग्यता मतलब जब व्यक्ति अपने पैसे से रिलेटेड जो अपनी कमियां हैं उनके पूरा नहीं कर पाता और उसे समझ नहीं आता है कि वो अपनी आर्थिक, हम सभी जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में हमें रोज़ अगर हमें घर से बाहर भी निकलना है तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वही जो पैसों की कमी है अगर हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसी डिपेंडेंसी के कारण व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। अगला आपका शिक्षा संबंधी अध्ययन, ठीक है। तो जो जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है, जिनको समझ में ये नहीं आता है कि उनको जो भी लेटर्स हैं हमको उन लेटर्स में कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे खुद को समझाना है, समझना है, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने यहाँ पे देखी। अगला है प्रेरणा संबंधी। तो मेन चीज़ क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है उसका शरीर साथ नहीं देता, उसका आईक्यू भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से उसमें अंदर से ऐसी लगन है कि उसको ये काम करना है, तो फिर वो अपने लिए साधन बनाना खुद से शुरू कर देता है या फिर लोगों से हेल्प भी मांगना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे तारे जमीन पे जो आमिर खान होते हैं वो खुद एक मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी वो अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि वो नॉर्मल लोगों से कम्पीट भी करते हैं और उनसे कहीं और जो उनके जैसे बच्चे थे उनको ट्रीट भी करते हैं, तो वो तो एक ऐसा एग्जाम्पल उसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने रियल लाइफ में कई ऐसे लोगों को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो थे मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार, ठीक है, मानसिक अस्वस्थता का शिकार थे वो, ठीक है, मानसिक मंदन का, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छा पर्सन के रूप में दिखाया है या साबित किया है, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी एक एक्टर है वो बहुत अच्छे स्पोक पर्सन भी है, ठीक है, स्पीकर भी है, एक्टर भी है और बहुत ज़्यादा कविताएँ भी करते हैं, तो ये जो है वो एक पर्सन है, उनको आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व। तो पर्सन का ऐसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए कि पर्सन अपनी कमियों में नहीं घिरा रहे और लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं उन चीज़ों को वो पॉजिटिव वे में लेकर के अपने आप को निखारे, ठीक है। तो ये भी एक पहलू बनता है। और अनमानसिक क्रियाओं में जितने भी प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर जो भी चीज़ें होती हैं तो लोग जो है उनको उन कमियों को अपने आप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को अपने मतलब एक तरीके से वो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब व्यक्ति एक चीज़ों में फंस के नहीं रहता है और अपने आप को एक पॉजिटिव फैक्टर के फॉर्म में उभारता है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।